आपसे मिल रही है। जालंधर में डीएसपी जूम ऐप के जरिए कल इंडी गठबंधन की यहाँ बैठक होने वाली है। अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, इंडी गठबंधन की कल होने वाली है बैठक। ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, लोकसभा चुनावों के मद्देनजर बहुत अहम मानी जा रही है ये बैठक, क्योंकि तकरार लगातार इंडी गठबंधन के अंदर दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में पंजाब में जिस तरह से तू-तू मैं-मैं होती हुई दिखाई दे रही है, तो कल होने वाली ये बैठक बेहद अहम रहेगी लोकसभा चुनाव पर। ये कल बैठक इंडी गठबंधन की, सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। क्या इसमें सीट शेयरिंग फॉर्मूले के ऊपर कोई निष्कर्ष निकल पाता है या फिर नहीं, यही सबसे बड़ी देखने वाली बात रहने वाली है। टीएमसी का अलग सुर दिखाई दे रहा है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में तो बाकायदा वार पलटवार तक दिखाई दिया है। तमाम बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। अहम बात, नीतीश कुमार भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो इसके पहले नीतीश कुमार की नाराजगी की जो खबर है, क्या उसके ऊपर कल पूर्ण विराम लग पाएगा, क्योंकि ये अहम बैठक और जूम ऐप के जरिए बैठक होगी, जो जा रहेगा वहीं से वर्चुअली बैठक में जुड़ जाएगा। ये सबसे बड़ी खबर इंडी गठबंधन की, कल होने वाली बैठक वर्चुअली होगी, जूम ऐप के जरिए तमाम बड़े नेता इसमें शामिल रहेंगे। बड़ी बात, नीतीश कुमार इस बैठक को ज्वाइन करने वाले हैं। चंद्रमोहन का हम रुख कर लेते हैं, वो और ज्यादा जानकारी देंगे। चंद्रमोहन, नीतीश कुमार कल बैठक में शामिल होंगे, मतलब वो जो नाराजगी वाली खबरें थी वो क्या निराधार थी क्या? देखिए, जब इससे पहले दिल्ली में बैठक हुई थी इंडी गठबंधन का, उसमें ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार की बातों को नहीं सुना गया, जिससे नाराज होकर वो बैठक से निकल गए थे। और अब कल 3 जनवरी को जूम के जरिए बैठक हो रही है, जिसमें जो महागठबंधन के तमाम बड़े नेता हैं, इंडी गठबंधन के जो तमाम बड़े नेता हैं, वो उसमें जूम के जरिए जुड़ेंगे। ऐसे में माना यह जा रहा है कि नीतीश कुमार की जो नाराजगी थी उसको खत्म करने के लिए ये बैठक बुलाई गई है, और उसके बाद सीट शेयरिंग को लेकर भी इसमें बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार की जो नाराजगी थी, क्या वो कम हो गई है, ये कल जब बैठक होगी उसके बाद ही तय हो पाएगा। क्योंकि नीतीश कुमार ने साफ तौर पर यह कहा था कि 31 दिसंबर से पहले सीटों का बंटवारा हो जाना चाहिए था सभी राज्यों में, सभी घटक दलों के बीच, लेकिन अब तक उसमें कुछ नहीं हो पाया। और ऐसे में कल जो बैठक बुलाई गई है, इसमें कुछ अहम फैसला भी हो सकता है नीतीश कुमार को लेकर। तो देखना यह होगा कि क्या नीतीश कुमार की जो नाराजगी थी दिल्ली में जो बैठक हुई थी, जहां से नाराज होकर नीतीश कुमार निकल गए हैं, वो खत्म हो गई है या फिर आगे भी कायम रहती है। क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स है, और क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स का नतीजा, जो रिजल्ट है, वो नीतीश कुमार के हक में भी आएगा, ये भी बड़ा सवाल है।